हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ची गार्डन में। इधर भी गुनिया दो लिया है, दो लिया एक रेड कलर का है और एक पिंक कलर का है। पत्ता भी देख सकते हैं अलग अलग है। तो बारिश तो लगभग सभी जगह पर हो रहा होगा फ्रेंड, लेकिन बारिश के बाद धूप एकदम नहीं हो रहा है। फिर भी हमारा जो परमानेंट प्लांट है उसके फ्लावर देख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाता है कि पत्ता जो है एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया है और सब में ग्रोथ भी होना शुरू हो गया। इधर देख सकते हैं पिंक ही विस्कस भी है। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये आपको दिखा पाते कि नहीं दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का, ये कितना दिन के बाद इसमें फ्लावर खिला है फ्रेंड। इसका पत्ता भी येलो है जो हटा देते हैं, सीजन की वजह से येलो हो रहा है। ऐसे जो पुराना पत्ता है वो तो येलो होगा ही। देखिए एक प्लांट जो है मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है इधर भी, बाकी जो भी प्लांट है सब अच्छा है। ये सब जो है देसी वाला है, तो अब इसमें ग्रोथ होगा। इसको कटिंग वगैरह करेंगे तो अब ग्रोथ होगा फिर। तो देख सकते हैं बारिश हुआ है और धूप नहीं हो रहा, तो सभी में जो है जो भी वैसे प्लांट है फ्रेंड जो पूरे पॉट को घेर लिया सभी में इसमें इस तरह से मैं राख का स्प्रे कर दी हूँ, क्योंकि तो बहुत ज़रूरी है। इधर देख सकते हैं ऑरेंज कलर का कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला है। इधर डहेलिया ये येलो वाला, येलो में तीन खिल गया है, एक इधर से जो बहुत पुराना हो गया है, एक पीछे से भी खिला हुआ फ्रेंड, और एक तो नया खिला, ये पूरा टूट के नीचे गिर गया था। एक सपोर्ट दिया हुआ था देख सकते हैं, एक सपोर्ट दिया हुआ था लेकिन फिर से एक नया सपोर्ट देना पड़ा, ये भी पूरा टूट के नीचे गिर गया था। तो इसको भी देखिए एक अच्छा सा मजबूत सा डंडा में इसको सहारा देके के बांध दिए हैं। इसका तो फ्लावर खिलना बंद हो गया है। और इधर भी देख सकते हैं, बारिश का पानी प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता भी है। और एक दिखाते हैं फ्रेंड आप लोगों को, ये देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, कितना दिन से फ्लावर नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये जो है ना बड्स बन रहा, लेकिन सही में ये बड्स ही है। देखिए क्योंकि बहुत दिन से खिल नहीं रहा था, तो देखिए यहाँ पर एक ही साथ तीन खिला है, देखे कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और खिल भी रहा है। एक जो आप लोगों से पूछे थे कि शायद ये डेजी है, तो बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे बताया कि हाँ ये अफ्रीकन डेजी का प्लांट है। तो इसका फ्लावर देख सकते हैं फ्रेंड, तो इसको लगा भी दिए क्योंकि बारिश का पानी से मिट्टी गीला भी है, इस तरह से इसको लगा दिए। अजीलिया भी बहुत अच्छे से फ्लावर है। क्रंचो एक पिंक है एक ऑरेंज है, येलो मेरे पास में नहीं था तो वो येलो लिए। इसमें भी देखिए ये प्राइम रोज कितना खूबसूरत सा फ्लावर हुआ, यहाँ भी देख सकते हैं प्राइम रोज में कितना फ्लावर अच्छा हुआ, ये पिंक कलर का है। और देखिए इस समय कटिंग लगाने का सबसे अच्छा था एक समय है फ्रेंड, ये देखिए ये मेरा मेरे पास में मेरून कलर का रोज है, इसका ग्रोथ बहुत कम हो गया था तो फ्लावर खिला था तो उसको कट करके देखिए सब नया नया ब्रांच निकल गया इस तरह से है। क्लांचो देखिए ये मेरून कलर का है कि इसमें कितना सारा फ्लावर बड्स बना हुआ, अच्छे स्प्रे भी किए हैं लेकिन दो दिन धूप अच्छी निकली उसके बाद धूप होना बंद हो गया बहुत कम, और अभी बारिश भी हो गया है। तो जैसे ये फ्लावर खिल गया तो इसका ब्रांच जो है ना फ्रेंड देखिए इस तरह से आप गिनती कीजिएगा, सब में पांच पत्ता पांच पत्ता पांच छह पत्ता छोड़ के नीचे से कट कर दीजिएगा, नहीं दिखा पा रहे होंगे यहाँ से कट कर, देखिए कितना सारा ब्रांच, कम से कम फ्लावर खिलने के बाद तीन से चार इंच का ब्रांच नीचे से कट करना हो, इस ब्रांच को आप लगा भी सकते हैं। तो देखिए इसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, देखिए इस गुलाब का इसी का कटिंग जो है लेकर के हम लगा दिए हैं, यहाँ से कटिंग करके ले लिए और कटिंग जो है लगा दिए हैं। उसने ग्रोथ भी देखिए आपको दिखाया ना कि ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो क्योंकि मैरून मेरा ख़राब हो रहा है, ये तो ब्लैक टाइगर रोज इसको बोलते हैं। इधर ऑरेंज वाला भी है और रेड तो देसी वाला था, पिंक है वाइट है पिंक है, बहुत सारा हाइब्रिड है लेकिन देसी भी कुछ है, और देसी तो बहुत अच्छा है बहुत आसानी से लग जाता है। ये भी जो है ऑरेंज पिंक कलर का है, इसका भी अगर कटिंग चाहेंगे तो लगा सकते हैं फ्रेंड। जैसे इसका फ्लावर खिल के सूख गया है तो इसको भी नीचे से कट कर देंगे और लगा देंगे, बहुत मोटा ब्रांच नहीं लीजिएगा। ये टाइगर रोज देख सकते हैं फिर स्प्रे करने के बाद कितना अच्छा सा रिजल्ट हो रहा है। इधर भी देखिए सब पिटूनिया वगैरह सब अच्छी ग्रोथ कर रही है। हाँ मेरी गोल्ड मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है बारिश, उसको बारिश का पानी नहीं पसंद है फिर। इधर भी देख सकते हैं ये मेरी गोल्ड में देखिए कितना अच्छा फ्लावर खिला, ये टूट गया था तो इसी तरह लगा दिए थे इसको, तो भी अच्छा खिलने लगा। ये देखिए पॉपी तो कितना सारा ख़राब हो गया, पॉपी तो खैर सब मेरा पॉट में आपको दिख जाएगा लेकिन जो लगा रहे हैं वो ख़राब हो गया है। ये देखिए मेरी गोल्ड पॉपी हो गई, ये देखिए ये जो प्लांट है फ्रेंड एक बार लगा लीजिए कॉर्नफ्लावर आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा फ्रेंड। और एक देख सकते हैं बिगोनिया, अभी बारिश हो गया है तो थोड़ा सा नीचे से नुकसान जैसा हो गया है, ये देख सकते हैं। इधर भी कॉस्मोस जो होता है समर में एक फ्लावर खिलता है लेकिन बहुत सारा इसका सीड्स गिर जाता है, येलो और ऑरेंज दोनों मेरे पास में रहता है तो सबको लगा दी, इससे बड़ा पॉट खाली था तो इसमें लगा दिए हैं। और ये भी देखिए इसका ग्रोथ नहीं अच्छा रहा, धूप नहीं लगा, देखिए आप लोगों को बता रहे थे ना इस तरह से ये प्लांट जो है गल के ख़राब हो जाता है। ये देखिए इसको नीचे से ब्रांच को कट करना पड़ेगा फ्रेंड ऐसे, क्योंकि देखिए इसमें फ्लावर गिर गया है और देखिए कैसे इसमें ये लग गया है आपको दिखा पा रहे हैं।
ये देखिए व्हाइट कलर का, अब इसके कारण स्टूडेंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्लांट जो है मेरा ख़राब हो रहा है। अब इसको जल्दी से इसको कट करेंगे यहाँ से नीचे से, और काट करें काट करके हटा देंगे जो भी ब्रांच ख़राब हो रहा है, और उसके बाद इसमें राख का प्रयोग करेंगे, जो लकड़ी का जो राख होता है जला कर हम लोग जो रखते हैं उसका प्रयोग करेंगे। देखिएगा प्लांट आपका हेल्दी हो जाएगा, अगर इसी तरह से छोड़ देंगे तो प्लांट मर जाएगा। ये देखिए इसका फ्लावर खिल गया, इसको भी हटाते जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है जब बारिश हो जाए तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, धूप नहीं हो रहा है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो देख रहे हैं एक तरह से फंगस है, ये वाइट जो दिख रहा है ये फंगस है, तो इसको नीचे से डाल को कट करेंगे जहाँ से हो रहा है उसके नीचे से। इधर भी देख सकते हैं सिनेरिया में भी फ्लावर बड्स बना। और एक और प्लांट आपको दिखाते हैं, ये बैगन बेली सॉरी बैगन बाहर का प्लांट है, और एक दिन का बारिश में इसको लगाए हुए एक सप्ताह हुआ होगा, लेकिन देखिए सारा पत्ता इसका गिर गया है। देख सकते हैं इसको ना ज़्यादा धूप चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा चाहिए, ना बारिश का पानी चाहिए ज़्यादा। ये बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है, फिर ये देख सकते इस तरह से गिर गया है, लेकिन अब चल जाएगा। अगर बारिश हो गया तो दिक्कत है, बारिश नहीं हुआ तो चल जाएगा। इसके नीचे में भी थोड़ा सा राख का या फंगीसाइड पाउडर का प्रयोग कर देंगे, डाल देंगे नीचे से। ये जो होता है देसी वाला, इसमें भी रेड कलर का फ्लावर होता है। इधर भी कलंचू, ये भी देख सकते फ्रेंड, ये बारिश का पानी ज़्यादा होने से ये प्लांट भी ख़राब हो गया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए नीचे से ही ख़राब हो जाता है, इसको ऊपर से कट करके लगा देंगे, इसमें नहीं लगाएंगे केवल सेंड में लगा देंगे। इसको भी कटा देते हैं, ये दोनों को नीचे से कट करके ये लग जाता है फ्रेंड। ये ब्रांच से कटिंग करके अच्छे से लगा दीजिएगा तो ब्रांच देखिए इसमें बारिश का पानी गिरा तो जहाँ तहाँ से ख़राब हो गया है। ये हो सकता ना भी लगे लेकिन ये लग जाएगा, ये इसका जो टहनी है बीच में कहीं भी ख़राब नहीं है, रूट्स के पास से ही ख़राब है क्योंकि इसमें पानी जो है जम जा रहा है। तो इसको भी काट करके हटा देंगे, काट करके नया प्लांट बना करके लगा देंगे, और केवल सेंड में लगाएंगे कोई। देख सकते इधर भी सब अच्छे से चल रहा है, ये भी देखिए इधर गुलाब में भी देखिए नया ग्रोथ होना शुरू हो गया है। जब लिए थे तो एक फ्लावर था, लेकिन अब देखिए इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए नया नया ब्रांच निकलना शुरू हो गया, नीचे से निकले तो उसको काट करके हटा दीजिए। इधर भी देख सकते हैं सब अच्छे से चल रहा है, ये देखिए इसमें बर्ड्स भी बन गया है और नहीं बना हुआ है। ये जेरेनियम का प्लांट है फ्रेंड, इसमें भी बर्ड्स बन गया है, और मेरी गोल्ड में देख सकते ये जो है फ्रेंड ये रेनाकुलस का प्लांट, अब नया ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, देख सकते साइड से दो लगाए हैं। उसका फ्लावर ना भी हो क्योंकि बहुत लेट से डिलीवरी किया था, बहुत दिन एक डेढ़ महीना लगा दिया था, और देखिए मेरी गोल्ड कितना ख़राब हो जाता है। मेरी गोल्ड को पानी नहीं चाहिए बारिश का, देखिए कितना इधर है, इधर कम लगा होगा साइड में है तो बड़ा बड़ा फ्लावर हो रहा है, लेकिन देखिए इधर ख़राब होता जा रहा है। प्लांट भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, फ्लावर तो खैर ख़राब हो ही जाता है। देखिए ये भी ख़राब हो चुका है, इसमें नहीं होगा तो काट के दूसरा प्लांट ही लगा देंगे या नीचे से कट कर देंगे। देखिए ये बड़ा बड़ा सा ख़राब हो गया है, इधर भी ख़राब हो रहा, देखिए मेरी गोल्ड को जो है बारिश का पानी नहीं उतना अच्छा लगता। अगर गुलदावदी होता तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, लेकिन गुलदावदी खैर नहीं है तो चलिए ठीक है। ये भी देख सकते हैं ये जरबेरा है, जरबेरा कितना हेल्दी हो गया है, फ्लावर येलो कलर का खिला हुआ, जरबेरा का भी तीन चार प्लांट ला करके लगा है। और इधर देख सकते ये कितना खूबसूरत सा खिल रहा है कलंगला, इसका पत्ता भी मुझे बहुत पसंद है गुलाब का, इस तरह से कमल का पत्ता। और देखिए फ्लावर ये येलो है और एक ऑरेंज, दो येलो दो ऑरेंज है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेरी गोल्ड को कुछ को हटा ही देंगे, कितना अच्छा फ्लावर अब नहीं खिला था। देखिए इसको भी पानी नहीं चाहिए बारिश का, लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा से खिल रहा है, प्लांट हेल्दी ग्रोथ भी कर रहा है। ये भी देखिए ख़राब हो गया है, बिंका को भी बारिश का पानी नहीं पसंद है फ्रेंड, बाकी सब तो प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्लांट है फ्रेंड कि जिसको बारिश का पानी नहीं पसंद है तो उसको हटा करके आप रख सकते हैं, ऐसे जगह पर रख सकते हैं जहाँ बारिश का पानी ना गिरे, लेकिन मेरे पास में बहुत सारा प्लांट है तो हटा नहीं पाते हैं। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।